हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन है वो साइडवेज एक्शन बनाए रखा हुआ है। ऑल्ट कॉइन्स जो है सारे के सारे भाग रहे हैं बीटीसी के टर्म में। जी हाँ, मेरे पीछे जो चार्ट दिख रहा है उसमें ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं दिख रहा होगा, यूएसडी डॉलर में दिखा रहा है, लेकिन बीटीसी के टर्म में मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स पंप हो रहे हैं। और यही होता है ऑल्ट सीजन दोस्तों, अपने बिटकॉइन को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन मौका। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि कैसे आप बुल रन के ऑल्ट सीजन में अपने आपको बिटकॉइन को बढ़ा अपने इन्वेस्टमेंट को 10 से लेकर 1000 गुना तक कर सकते हो दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो के ऊपर एक लिंक पॉपअप हो रहा होगा, इस वीडियो को जाके इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखेगा। आपका जो सोचने का नजरिया वो चेंज हो जाएगा। एंड दोस्तों, जो लोग मेरे साथ लंबे टाइम से बने हुए होंगे उनका पोर्टफोलियो अब जो है धीरे 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 करके जो है वो अच्छा खासा रन दिखा रहा होगा। तो आपका पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस है जरूर देखिएगा, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है। एंड अपडेट कीजिएगा पोल में, क्योंकि पोल में अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आएगा तो जो सरप्राइज एलिमेंट है वो सबके लिए होगा, नहीं तो रिस्ट्रिक्टेड होगा मात्र कुछ लोगों के लिए। तो आप चाहते हो सबके लिए हो तो पोल में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करो। टाइम जो है निकलता जा रहा है। कब तक है लास्ट टाइम? लास्ट डेट है कल मिडनाइट, जी हाँ संडे, यानी कि 18 अप्रैल मिडनाइट तक चलेगा पोल दोस्तों, जिसमें पार्टिसिपेशन से आपको मिल सकता है वो सरप्राइज एलिमेंट, चाहे वो मेरा टारगेट रीच होना हो आने वाले दिनों में। देख क्या रहे हो, अभी तक अपडेट नहीं किया तो जाके अपडेट कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना होगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स क्या कर सकते हैं आने वाले टाइम में, उसको देखेंगे चार्ट पे डिटेल में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा है, मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है। कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टेक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या फिर मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन पे मुझे फॉलो करना चाहते हो, ट्विटर, टेलीग्राम या फेसबुक पे, तो उन सबके लिंक जो है वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा। बाकी के डिटेल्स के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertea.blogspot.com पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं लेके चलूंगा आपको पोल के रिजल्ट पे। जी हाँ, पोल के रिजल्ट से पहले आपको बता दूं पार्टिसिपेट कैसे करना। आप जाओगे cryptoinsidertea.blogspot.com पे, टाइम जो है रनिंग आउट हो रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि संडे ये बिग अनाउंसमेंट का टाइटल लिखा था मैंने, ये लिखा था उन अगर 1000+ पार्टिसिपेशन आता है, चाहे आपका पोर्टफोलियो नया है पुराना है कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर 1000 पार्टिसिपेशन आता है पोल एंड होने से पहले, तो जो भी बिग अनाउंसमेंट होने वाला है वो सबके लिए होगा। अदरवाइज जो लोग सिर्फ इस पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि आप भी इसका पार्ट बन पाओ, क्या पता 1000 हो पाए ना हो पाए, अभी स्टार्ट दिखा दूंगा आपको। एंड याद रखिएगा, कल मिडनाइट यानी कि संडे 18 अप्रैल 2021 को मिडनाइट तक ये पोल चलेगा, जिसमें ये वैलिडिटी रहेगी दोस्तों। उसके बाद ये वाली चीज जो है हमेशा के लिए इस चैनल पे नहीं आएगा, ये वाला जो बिग अनाउंसमेंट था जिसका बेनिफिट मैं चाह रहा था सबको मिले वो नहीं मिल पाएगा। अब ये सब का जो है रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये सब आप होंगे जो वीडियोस देखते हो लेकिन पोल में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पोल गाइस। अगर आपको इस पोल में पार्टिसिपेट करना है, कुछ भी नहीं करना, आप जाओगे मेरे वेबसाइट cryptoinsidertea.blogspot.com पे और स्पेशल अनाउंसमेंट पे क्लिक करना। वैसे बाय डिफॉल्ट यही पेज ओपन होगा। एंड मैं बताना चाहूंगा, मैं जो यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो का स्टेटस क्या है, वो मैं बीटीसी के टर्म में पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहा हूँ? रुपए में तो ऑलरेडी आपका 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 10 गुना कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए बीटीसी में कितना हुआ। हो सकता है कुछ लोगों का 2x हुआ होगा, यानी कि डबल हुआ होगा, किसी लोगों का 3x हुआ होगा, 3 गुना हुआ होगा, किसी का 10x हुआ होगा, 10 गुना हुआ होगा। जो भी स्टेटस है वो यहाँ पे लिखिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप लॉस में हो तो भी घबराने की बात नहीं, आपको इनमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड याद रखिएगा, जो मेरे चैनल को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं और फिर भी लॉस में, उनके साथ फ्री ग्रुप मीटिंग करूंगा दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वेडनेसडे को रात में। आपको जो है डिटेल्स जो है मेल पे आ जाएगा जब आप पोल में पार्टिसिपेट करोगे, और तब तक आपका पोर्टफोलियो अगर लॉस में रहेगा दोस्तों, तो याद रखना इस पोल में पार्टिसिपेट करने का ना फायदा ही फायदा है। अगर फायदा से नहीं लेना है फायदा, देन इट्स ओके, आप मत लीजिएगा। बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ, इस पोल में पार्टिसिपेट तो कर लिया, अभी का क्या स्टेटस है जल्दी से वो देख लेते हैं चार्ट पे। तो अभी का जो स्टेटस है अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो बेटर होगा। 381 टोटल रिस्पॉन्सेज आए हैं अभी तक, एंड 381 रिस्पॉन्स में से जो है लगभग लगभग 26.5 एंड 26.5, यानी कि लोगों के पैसे जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑल सीजन का जो बूम आया हुआ है ये कहीं ना कहीं पोल में भी दिख रहा है मुझे होते हुए। एंड गाइस, मैं बताना चाहूंगा, लगभग 101 लोग हैं जो कह रहे हैं कि स्मॉल प्रॉफिट में है, बाकी के 101 लोग कह रहे हैं कि उनका 2x या उनसे 2x या 2x से ज्यादा यानी कि डबल से ज्यादा हो चुका है। और वही दोस्तों 3 गुना से ज्यादा होने वालों की संख्या 36 लोगों की है, 4 गुना से ज्यादा होने वाले की संख्या जो है उनका पोर्टफोलियो की संख्या 10 है, वही 5 गुना से या 5 गुना से ज्यादा होने वाले की 12 है लगभग, एंड वहीं पे 6 टाइम्स इनका पोर्टफोलियो हुआ वो 5 है, 7x वाले 2 है, एंड इसके अलावा एक एंट्री आई है 8x के लिए, यानी कि उनका पोर्टफोलियो 8 गुना हो चुका है, उनकी संख्या 1 है अभी, 10x वालों की यानी 10x जिनका ऑलरेडी हो चुका उनका 8 है, एंड 10x से भी ज्यादा हो चुका है जिनका उनका है
एंड यही नहीं दोस्तों, इसमें से काफी दिन से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं फिर भी उनका पोर्टफोलियो लॉस में, ऐसे लोगों की संख्या 17 है। घबराइएगा नहीं, पोर्टफोलियो स्टेटस अपडेट करते रहेगा। संडे के बाद मैं आप लोगों को जल्द कॉन्टैक्ट करूंगा आपकी ही मेल आईडी पे, तो मेक श्योर करना कि मेरा ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेल आईडी जो है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लेना, सो दैट आपके स्पैम में आपके ना जाए वो मेल, एंड टाइम रहते आप सही टाइम पे उसे रिस्पॉन्स कर पाओ। बाकी जो लोग अभी नए बने हुए मेरे चैनल के साथ और अभी भी लॉस में हो, डोंट वरी, जल्दी आप लोग का पोर्टफोलियो जो है अपडेट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो जाके ना मेरा बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का जो पूरा और पूरा जो वीडियो का प्लेलिस्ट है उसमें 5 या 6 वीडियोस हैं दोस्तों, वो सारा देख डालो, क्योंकि उसमें वो कंटेंट है जो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पूरा का पूरा एक नजरिया दे देगा कि कैसे बिटकॉइन में पैसे को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना और 1000 गुना किया जाता है। तो अगर सीखना चाहते हो तो टाइम इन्वेस्ट करना होगा, जाके वो सारी वीडियोस देखो पहले, फिर पोर्टफोलियो मैनेज करना सीखो। और दोस्तों याद रखना, अभी और सीजन के हम स्टार्टिंग फेज में है, फर्स्ट सेकेंड वीक में है कहीं ना कहीं, और अभी लंबा खासा टाइम है, यानी कि अभी भी आराम से 4 से 8 वीक चल सकता है ऑल सीजन। जो भी होगा स्टेटस वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करूंगा। तो अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो जाके बना सकते हो, अभी भी टाइम है दोस्तों। अब ये तो हो गया पोल की बात। गाइज अगर आपको पोल में कैसे, मतलब पोल में जो ऑप्शन है अगर वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसी पोल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखना जरूर कि आपका जो पोल में है वो आपको जो ऑप्शन है वो समझ में आ रहा है नहीं, सो दैट मैं उसको और बेटर वे में नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँ अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है। बाकी टाइम आने पे, वक्त आने पे, बाकी लोगों के साथ भी मैं ग्रुप मीटिंग शेड्यूल करूंगा आने वाले वक्त में, अगर लोगों का पोर्टफोलियो जो है डाउन रहा थ्रू आउट दिस ऑल सीजन दोस्तों। एंड गाइस अब सीधा चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस में क्या अपडेट है। सबसे पहले चलेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे क्या मामला चल रहा है, जो हमारा जो मोस्ट सपोर्ट जोन था वो उसके नीचे आ चुका है, तो क्या होगा? मतलब इस हिसाब से तो इसको रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं मिला, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? गाइज मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो RSI लेवल है वन डे के चार्ट पे ऑलमोस्ट 12 के अराउंड में चला गया है। एंड ऐसा कब हुआ था? लास्ट बुल रन के जो ऑल सीजन चल रहा था उस ड्यूरेशन में हुआ था, और कुछ बार उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। एंड गाइज जो सपोर्ट जोन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, उस सपोर्ट जोन पे हमें कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट ज्यादा देखने को नहीं मिला, और बैक टू बैक हम नीचे जा रहे हैं, व्हाइट डॉटेड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, उसको रिटेस्ट कर चुके हैं, फेल हो रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? तो बिल्कुल जी हाँ, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये ऐसे डाउन चलता जाएगा? तो नहीं दोस्तों, बीच में ऐसे 2-3 दिन आएंगे जिसमें नहीं ये 10 EMA एंड 20 EMA को रीटेस्ट करेगा। एंड याद रखना, अभी 10 EMA जो है काफी ऊपर बना हुआ है, कहाँ पे है? 54.68, एंड 20 EMA कहाँ पे है? लगभग 56.34। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये धीरे धीरे मामला जो है मुझे ऐसा लगता है साइडवेज एक्शन आएगा 1-2 दिन के लिए, जिसमें आप लोगों को लगेगा कि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी मत घबराना दोस्तों, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत ऊपर जाने वाला, RSI काफी नीचे आ गया, तो हो सकता है यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए यहाँ से अब थोड़ा बहुत जो है रिवर्सल दिखाए। लेकिन लेकिन यार एक चीज याद रखना, ऑल सीजन का जब पीक होता है ना, और वो बुल रन का ऑल सीजन होता है, तो उसमें सारे चार्ट एनालिसिस धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। अभी वीकली चार्ट की बात करूँ, वीकली चार्ट पे अभी हमारा RSI लेवल जिस लेवल पे है उससे बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला है इस ऑल सीजन में। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो RSI गया था काफी नीचे तक चला गया था, उसके कंपेरिजन में हम कहीं पे भी अभी काफी ऊपर है, एडजस्ट कर रहे हैं, तो अभी काफी ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा बैक टू बैक। जैसा मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं हम इस जगह पे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फ्री फॉल हुआ है बैक टू बैक। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा मोमेंटम भी बन सकता है, कुछ 1 या 2 वीक के लिए अगर बनता भी है तो आपको घबराना नहीं है। याद रखना, सारे के सारे ऑल्ट कॉइन नहीं गिरेंगे, अपने अपना पोजिशन होल्ड करके बैठेंगे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिखेगा, इसको हम कहेंगे करेक्शन दोस्तों। फिलहाल जो है ऑल सीजन जारी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बुल रन का ऑल सीजन है दोस्तों, यूं आसानी से नहीं जाएगा। एंड गाइस याद रखना, पोर्टफोलियो का जो भी स्टेटस हो उसको पोल में जरूर अपडेट करना जल्द से जल्द, सो दैट मैं जो हूँ मैक्सिमम लोगों का जो है रिव्यू कर पाऊँ पोर्टफोलियो आने वाले वक्त में। एंड गाइज अभी बता दूं कि यहाँ पे जो है हमें सपोर्ट कल जो है काफी नीचे चला गया था 51.65 तक, लेकिन अभी जो है वापस से इस लेवल के आसपास गए हैं, और हमारा रेड कैंडल ही बन रहा है बैक टू बैक, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या ये ऐसा मोमेंटम चलता रहेगा? तो 1 आवर के चार्ट पे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी पिक्चर, एंड 1 आवर के चार्ट पे दिखेगा कल हमारा 10 एंड 20 EMA रिटेस्ट करके फेल हुआ है, एंड जो पैरेलल मोमेंटम है वो मेंटेन है, एंड सपोस्टिक RSI नीचे वाला लेवल मेंटेन है, RSI जो है लगभग 25-28 के आसपास चल रहा है। तो जी हाँ, ऑल सीजन में ऐसे ही चलता है, एंड बीच बीच में जब भी स्पाइक आएगा 10 EMA 20 EMA इसको रिवर्सल देगा। सबसे ज्यादा जब स्पाइक आएगा दोस्तों जब 200 EMA रिटेस्ट कर सकता है, अभी 55 पे है, तो अभी वर्स्ट सिनेरियो 55 पे जाने का है। लेकिन क्या जाएगा? तो मेरा मानना है नहीं दोस्तों, ब्लू लाइन और ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन है अब इसे बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस देगा। एंड याद रखना 20 EMA एंड 10 EMA जो है अब वो काफी नीचे आ गया 1 आवर के चार्ट पे, तो जो कि अच्छी बात है। एंड 4 आवर के चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो 4 आवर के चार्ट पे भी मुझे सेम फ्लो दिख रहा है RSI का। लेकिन दोस्तों याद रखना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैक टू बैक नीचे गया था फिर एक पंप हुआ था, कुछ वैसा हो सकता है, तो घबराना भी बिल्कुल मत। 10 EMA जो है व्हाइट डॉटेड लाइन के नीचे आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 20 EMA जो है अभी भी ऊपर बना हुआ है ब्लू लाइन के पास, तो यहाँ पे कोई करेक्शन आता भी है तो घबराना मत, इसी जोन के आसपास आएगा, एंड उसकी वजह से आपको ऑल्ट कॉइन एंड बिटकॉइन में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिखेगा, पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत गिरता हुआ दिखेगा, BTC के टर्म में माइट बी एंड माइट बी नॉट, डॉलर के टर्म में गिरता हुआ दिख जाएगा, माइट बी नॉट, बट टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं।
अब दोस्तों ये तो हो गया ऑल्ट सीजन में, ऑल्ट कॉइन में क्या हो सकता है, ओवरऑल मार्केट का मैंने फंडामेंटल आपको बता दिया। एंड अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन का। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्या किया है कल, मैंने आप लोगों को क्या कह रहा हूँ पिछले कई दिनों से, यार मुझे लग रहा है जब इस लेवल पे था कि ये व्हाइट डॉटेड लाइन को रिटेस्ट करेगा एंड कहीं ना कहीं फेल होने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर जाता है तो मैंने टारगेट जरूर बता रखा था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि शॉर्ट टर्म में बुलिश है और वो ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद जो है धीरे 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 अभी हम कल क्या लेवल टेस्ट किए हैं, कल जो हमारा गया है लगभग 60,000 लेवल का रीटेस्ट किया हमने और फिर ऊपर क्लोज किया हमने कैंडल। कहाँ पे क्लोज किया, 61,400 के अराउंड में। अभी उसके बाद कैंडल जब आया है तब से ये ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, व्हाइट डॉटेड लाइन के नीचे बने हुए हैं। तो क्या होगा जल्दी से देख लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे क्या दिखा रहा है बिटकॉइन। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अभी व्हाइट डॉटेड लाइन हम टेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो शॉर्ट पोजीशन बन गया था वो कहीं ना कहीं स्क्यूज हो रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन क्या ये यहाँ से ग्रीन हो जाएगा वापस से, ये भी फेक आउट निकलेगा, तो मेरा दोस्तों मानना है, पर्सनली मेरा मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ कुछ देर के लिए शायद इसके ऊपर जाएगा आने वाले 1-2 घंटे और, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली ये वापस से कुछ डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाएगा RSI। याद रखना अभी जो है 50 का लेवल है, तो हो सकता है यहीं से ही रिवर्सल देखने को मिल जाए, तो टेंशन मत लेना, घबराना मत। और बिटकॉइन अगर नीचे जाता है तो क्या होगा, टेम्परेरी बेसिस पे आपका यूएसडी का पोर्टफोलियो गिरता रहेगा दोस्तों, लेकिन घबराना नहीं, और ऑल्ट कॉइन जितने भी हैं उसके बाद वो पंप होंगे एंड वो जो है वो मैचअप कर देगा आपका पोर्टफोलियो, यानी कि बिटकॉइन के टर्म में ज्यादा बढ़ेगा और यही नहीं ओवरऑल आपका यूएसडी में भी ग्राफ ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, जैसे कि कल पूरे दिन हुआ है। कल का जो इवेंट था वो समरी था इस ऑल्ट सीजन का, कि पहले गिरता है फिर बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो कई गुना ज्यादा बढ़ता है, जब गिरता है तो गिरता है थोड़ा सा, फिर बढ़ता है तो कई गुना ज्यादा ऊपर बढ़ता है। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है दोस्तों मार्केट का। एंड गाइस अभी जो लेवल हम रीटेस्ट कर रहे हैं 62,300 का लेवल, जो कि व्हाइट डॉटेड लाइन है, यहाँ पे मेरा मानना है रेजिस्टेंस मिलेगा, 4 आवर के चार्ट पे भी दिख रहा है मुझे, लेकिन सकुष्टिक आरएसआई रिवर्सल दिखा रहा है, तो क्या यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इस ईएमए रिवन का जो बॉटम लेवल है उसको रीटेस्ट करके बाउंस बैक हुआ पिछले 4 घंटे में, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बुलिस दिखा रहा है एक्सेल, लेकिन मेरा मानना है या तो ये पैरेलल मोमेंटम बना के रखेगा, या फिर दोस्तों ये जो है थोड़ा बहुत जो है साइडवेज एक्शन दिखा सकता है और फिर धीरे धीरे नीचे जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन क्या होगा अगर इसके ऊपर आ जाता है, अगर हमारे कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है 62,300 के ऊपर, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मामला जो है थोड़े देर के लिए फिर से वापस से मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन याद रखना कि 20 ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन है विद टाइम बढ़ता जा रहा है टारगेट, एंड जो अभी नेक्स्ट इसके बाद जो कैंडल होगा, ये कैंडल लगभग 1 घंटे में क्लोज होगा, इसका नेक्स्ट कैंडल जो है लगभग 62,300 के आसपास होगा, एंड इसी तरह डेली बेसिस पे बढ़ता रहेगा दोस्तों। तो इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है अगला कैंडल, तो डेफिनेटली हम जो है बियरिश पैटर्न जो मैं बोल रहा हूँ बार बार वो बना ही रहेगा, करेक्शन का दौर रहेगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट जोन है जो इतना आसान नहीं होगा तोड़ना। कल क्या हुआ, कल मैंने आप लोगों को इस लेवल पे बताया था कि ये नीचे जाएगा लेकिन इतना आसान नहीं होगा, इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, मिला, यहाँ पे गया इसके नीचे गया, लेकिन सपोर्ट इतना तेज कि उसके बाद बैक टू बैक ऊपर जा रहा है, लेकिन अब इसे रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे दोस्तों मेरा मानना है, एंड यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस मिलने के बाद साइडवेज एक्शन लेते हुए रहेगा या फिर यहाँ से वापस से डाउन भी जा सकता है, तो घबराना मत। कल दो हायर लोज बना रहा है यहाँ पे, तो क्वाइट पॉसिबल कि इसके ऊपर भी जाए, लेकिन क्या वो वहाँ पे सक्सेसफुल होता है नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर साइडवेज एक्शन लेगा। जो भी होगा हाल वो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अगर फिर भी कोई अपडेट होगा दोस्तों, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले दूंगा। वर्स्ट सिनेरियो अभी के लिए बता दूं, लगभग लगभग 60,000 डॉलर के अराउंड में काफी अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे अगर मैं बात करूं तो 57,000 के आसपास सपोर्ट है, बहुत अच्छा, और अभी जिस लेवल पे हैं वहां पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड क्या ये यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा, तो देखो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। जब डोजी कॉइन जिसकी कोई जो है जिसका जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू जो है लगभग जीरो है, क्योंकि वो कुछ नहीं करता, बीइंग ए मीम कॉइन है वो, एंड उसको जो है कल काफी ज्यादा वॉल्यूम मिला है, और उस वॉल्यूम की वजह से वो टॉप 10 में ही नहीं टॉप 5 में आ गया था। जी हाँ, वर्ल्ड के टॉप 5 में उसने पोलका डॉट, एडा और बहुत सारे पोटेंशियल अच्छे कॉइन्स जो कि टॉप 10 में बने रह सकते हैं उनको पीछे छोड़ दिया। तो क्या अगर डोजी कॉइन टॉप 5 में जगह बना सकता है दोस्तों, तो बिटकॉइन है वो तो नंबर 1 है, तो कुछ भी एक्शन दिखा सकता है। इसीलिए बोलता रहता हूँ कि अगर कुछ साइडवेज एक्शन हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नीचे जा रहा है धीरे धीरे तो भी ठीक ठाक है, अगर कोई शार्प मोमेंटम आता है चाहे नीचे चाहे ऊपर, डरना मत, शॉर्ट टर्म के लिए आपका पोर्टफोलियो जरूर इंपैक्ट होगा, बट घबराना नहीं, ठीक है गाइस। अब लेके चलता हूँ इथेरियम के BTC चार्ट पे। जी हाँ, इथेरियम के BTC चार्ट पे कल मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो फेब्रिस गोल्डन रेशियो है दोस्तों यहाँ पे सस्टेन जो करने की कोशिश करेगा, कल वही हुआ, काफी ज्यादा यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला, नीचे तक चला गया था, फिर वापस से खींच के शाम होते होते रात एंड ऑफ द डे जो है वो अल्टीमेटली रेड कैंडल जरूर क्लोज किया, लेकिन इसी जोन के आसपास क्लोज किया, एंड सुबह जैसे हुआ वहां से अपवर्ड मोमेंटम लेना शुरू कर दिया, एंड धीरे 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 जो हमारा जो ये जो ट्रेंड लाइन है वो कहीं ना कहीं अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये नया ट्रेंड लाइन जो है वो बनाते हुए दिख रहा है इथेरियम BTC चार्ट पे। एंड अगर अगर ये आज भी अगर ऊपर नहीं जाता दोस्तों, तो हम कहीं ना कहीं
20 EMA के जल्दी से ऊपर आने के लिए वेट कर रहे हैं, देन उसके बाद हम अपवर्ड मोमेंटम दिखाएंगे। मेरा क्या मानना है, 1 आवर के चार्ट पे जाऊंगा तो ज्यादा बेटर वे में बता पाऊंगा। 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखिएगा कि इथेरियम जो BTC चार्ट पे है वो बार बार 20 EMA रिटेस्ट कर रहा है एंड ऊपर जा रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। एंड मेरा मानना है दोस्तों, आज जो इथेरियम BTC चार्ट पे आपको ग्रोथ करते हुए दिखेगा, अच्छा खासा ग्रोथ देगा ऊपर की तरफ। ऊपर का लेवल क्या है मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगला जो टारगेट है वो जो रहेगा वो लगभग लगभग जो है अराउंड कम से कम 0.042 का लेवल होगा। तो ये छलांग कब मारता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी 20 EMA को हमने रिटेस्ट कर लिया है एंड काफी तेजी से 4 आवर पे 20 EMA जो है, 4 आवर पे 20 EMA जो है धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, काफी तेजी से ऊपर आ रहा है दोस्तों 20 EMA 4 आवर के चार्ट पे। तो ये जो है सपोर्ट टेस्ट करके बार बार ऊपर उठेगा एंड ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों कहीं ना कहीं इसे फॉलो करते हुए रहेगा थ्रू आउट दिस साइकिल। हो सकता है इससे भी अग्रेसिव हो जाए इथेरियम BTC के चार्ट पे। एंड गाइस देयर आर लॉट्स ऑफ हिडन पैटर्न्स जो कि डेवलप हो रहे हैं चार्ट पे, एंड गाइस कुछ ऐसे कोरिलेशंस भी हो रहे हैं जो मुझे शो कर रहा है कि इथेरियम जल्द आपको 10,000 डॉलर पे जाते हुए दिखेगा इन टर्म्स ऑफ USD चार्ट। जी हाँ, तो मैंने BTC चार्ट पे आपको बता दिया है अगला लेवल जो होगा ये होगा, लेकिन जो मेजर होगा सपोर्ट, जो मेजर जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 0.046 का लेवल होगा, जो कि इस टाइम में यानी फरवरी का जो पीक था उससे भी ऊपर होगा। एंड कहीं पिछली बार जैसा रिजेक्शन मिला वैसा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों इस बार, एंड इस बार जो है ये इसको पहले रीच करेगा, फिर रेजिस्टेंस थोड़ी देर का प्ले आउट होगा एंड देन उसके बाद न्यू टारगेट जो है वो हमारा जल्दी से तेजी से रीच होते हुए दिखेगा। इथेरियम के USD चार्ट की बात करूं, इथेरियम के USD चार्ट पे आपको बताना चाहूंगा, कल जो इथेरियम के USD चार्ट पे हमारा साइडवेज एक्शन रहा जारी, क्योंकि बिटकॉइन भी धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, इथेरियम भी जो है BTC चार्ट पे कहने का नीचे गिर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर जो है उसने जो बनाया वो बनाया लगभग लगभग 2425 डॉलर, एंड जो लोएस्ट रिकॉर्ड हुआ था दोस्तों वो 2290 डॉलर के आसपास। मैंने आपको कहा था कि इस जगह पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। आज हम ऊपर का लेवल रीटेस्ट करेंगे लगभग 2600 डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम इथेरियम के दोस्तों। एंड याद रखना इथेरियम इस जोन को, इस व्हाइट डॉटेड लाइन को अगर क्रॉस कर लेता है सक्सेसफुली और बैक टू बैक 2-3 दिन सस्टेन कर लेता है इसके ऊपर, उसके बाद इथेरियम बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा और इस पैटर्न की इसको जरूरत नहीं होगी जिस पैटर्न में लगभग 1 साल से, और इसको अगर पैराबोलिक मूव दिखाना है तो इस पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा। जो ओवरऑल चार्ट पैटर्न कहता है वो कह रहा है कि ये डेफिनेटली इसको क्रॉस करने वाला है। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ 1 आवर की, तो 1 आवर के चार्ट पे आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी शॉर्ट टर्म में। तो अभी मैं मुझे 20 EMA रिटेस्ट कर लिया ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो डेफिनेटली आज हम 2600 रीच करने वाले हैं इथेरियम का। एंड 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो 4 आवर के चार्ट पे भी 20 EMA हमने जस्ट रीटेस्ट किया, सपोष्टिक RSI कन्वर्जन ले चुका है, RSI मुझे ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो अब जो है 26 ऑल एंड टेस्ट करने के बाद ही दम लेगा दोस्तों आज इथेरियम, हाई प्रोबेबिलिटी। एंड वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 डे के चार्ट पे, जो मैंने आपको बोला जो व्हाइट डॉटेड लाइन का जो सपोर्ट है काफी दिन से, इसको जो है कहीं ना कहीं अभी ये रेजिस्टेंस की तरफ काफी पिछले 3 महीने से काम कर रहा है, इसको इस बार जो है जरूर तोड़ेगा। एंड एक बार ये तोड़ देगा तो पैराबोलिक मूव इथेरियम में जल्द देखने को मिलेगा। ये हो गया दोस्तों ओवरऑल इथेरियम, बिटकॉइन एंड ऑल्टकॉइन आने वाले टाइम में क्या कर सकता है नजर रहेगी मेरी। जब भी कोई क्विक अपडेट होगा तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करूंगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लेना, ट्विटर पे फॉलो कर लेना। गाइस सारे लिंक जो है यहाँ पे cryptoinsider.blogspot.com पे बना हुआ है, व्हाट्सएप सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पे यूट्यूब ट्विटर फेसबुक टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक है, मेरा जो कम्युनिकेशन मेल आईडी है वो भी यहाँ पे मेंशन है। याद रखना दोस्तों ये कम्युनिकेशन मेल आईडी जो है ना आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लो, क्योंकि कई लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको ये स्पैम में मुझे मेरी तरफ से जो भी मेल जाता है उनके स्पैम बॉक्स में जा रहा है कहीं ना कहीं। ऑल दो जीमेल का आईडी है बट ड्यू टू क्रिप्टो कंटेंट समहाउ जीमेल इज ऑल्सो ट्राई टू यू नो स्पैम उस पे ज्यादा दे रहा है। मैं ट्राई करूंगा इस चीज को फिक्स करने की, लेकिन तब तक के लिए आप इस कॉन्टैक्ट को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लेना सो दैट आपके इनबॉक्स में रीच जाए मैसेज पहुंचे। एंड रिकमेंडेड साइट एंड टूल में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने बाइनेंस पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वजीरएक्स पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बिटमिनेक्स पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पॉलिनिक्स पे नहीं किया है तो जाके कर लो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये रेफरल कोड या फिर इस रेफरल लिंक के थ्रू करे हुए तो आपको लाइफ टाइम के लिए जो भी बेनिफिट यहाँ पे मेंशन है लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग फी पे मिलेगा दोस्तों। एंड याद रखना दोस्तों कि जैसे जैसे बुल रन का पीक आएगा वैसे वैसे एक्सचेंजेस अपना रजिस्ट्रेशन बंद करते चले जाएंगे। अभी मौका है रजिस्ट्रेशन कर लो, अभी तो पीक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। बताना चाहूंगा कि बाइनेंस पे और वजीरएक्स पे जो अगर कनेक्ट कर ले तो दोनों 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 अकाउंट को दोस्तों तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको फ्री में कुछ टोकन फ्री में आप ट्रांसफर कर सकते हो एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज। इसलिए मैं बाइनेंस एंड वजीरएक्स का पेयर यूज करने बोलता हूँ इंडियन यूजर को टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू योर ट्रेडिंग अकाउंट और फिर वहां से बाइनेंस पे, और बाइनेंस पे फिर ट्रेडिंग करना बहुत आसान है दोस्तों। सारा कुछ मैंने वीडियो बना रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मोस्ट रिकमेंडेड है बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल के जाके प्लेलिस्ट जो पॉपअप हो रहा है अभी ऊपर वीडियो के उसको जाके देख लो। वो देख लोगे ना फिर आपको कुछ कुछ भी जो है ना डर नहीं लगेगा, कुछ भी होगा एक्सचेंजेस पे आपको टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि आपका फंड भी सेफ रहेगा। और आपको कैसे BTC पेयर में बाई करना है, कैसे INR पेयर में बाई करके BTC में सेल करना है, कैसे USDT पेयर में बाई करके BTC में सेल करना है,
एंड क्यों मैं बाइनेंस पे रजिस्ट्रेशन करने बोलता हूँ, क्यों मैं बाइनेंस पे ट्रेडिंग करने बोलता हूँ, सारा कुछ आपको आंसर मिल जाएगा वीडियोस में। तो जाके उस प्लेलिस्ट को देख लेना, बाकी के रेफरल लिंक यहाँ पे बने हुए हैं गाइस, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर देख लेना। एंड याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपने इस पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाके होम पेज पे जाओ, जो पोल बना हुआ है उस पर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इस पोल में अगर 1000 लोगों के पार्टिसिपेशन नहीं आया तो जो भी मैं स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ वो पब्लिक डोमेन में नहीं होगा, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे सिर्फ उन्हीं सीरियस पर्सन के लिए जो अपने जिंदगी के 1 मिनट निकाल के इस पोर्टफोलियो को, अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। एंड याद रखना, पोर्टफोलियो स्टेटस अपडेट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जिन लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है उनके उनका जो पोर्टफोलियो है उनको मैं फिर से रिव्यू करूँ इसी ऑल सीजन में, सो दैट वो भी जो है रिकवर कर पाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, नहीं करोगे तो इट्स योर फोर्थ कॉल। सेकंड थिंग, अगर पार्टिसिपेट करते हो और ये अनाउंसमेंट सबके लिए होता है तो सबको फायदा मिलेगा, अदरवाइज जो लोग पार्टिसिपेट करके पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको तो फायदा मिलने वाला है, आपके चक्कर में उनका नुकसान नहीं होगा, ये याद रखना। एंड गाइज सबसे इंपॉर्टेंट, 19 तारीख को, जी हाँ 19 तारीख को cryptoinsiderta.com का जो पोर्टल है वो लॉन्च होने वाला है। एंड इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो लोगों के रहते हैं वो सारे आंसर मिल जाएंगे आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे। एंड सबसे बेस्ट, इस वेबसाइट को यूज करना है तो आपको सबसे बेसिक जो रिक्वायर्ड है वो है ट्विटर का एक वैलिड अकाउंट। जी हाँ, ट्विटर का आपके पास वैलिड अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं होगा दोस्तों तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाओगे। एंड आपको जो पार्शल इन्फॉर्मेशन मिलेगा विदाउट लॉग इन वो जो होगा सफिशियंट नहीं होगा, याद रखना रिस्ट्रिक्टेड होगा सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए। और मेंबरशिप कॉस्ट क्या है? 0 रुपीज लाइफ टाइम के लिए। जी हाँ, तो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बनाना अपना ट्विटर का अकाउंट, वेरीफाई करके रखना है, जैसे ही वेबसाइट लॉन्च होगा ट्विटर के अकाउंट से आप लॉग इन कर लेना दोस्तों। तो गाइज, ये वेबसाइट लॉन्च होने के बाद आपके बेसिक क्वेश्चंस जल्द से जल्द आंसर हो जाएंगे सबके सब। मैं ट्राई कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक जगह रखने की, सो दैट बार बार जो नए वर्सन आते हैं उनके एक ही क्वेश्चन बार बार रहता है, उन सबको एक ही जगह पे आंसर मिल जाएगा। एंड शायद बाकी लोग भी उनको हेल्प कर पाएंगे इजी वे में, जस्ट लिंक शेयर करके। आने वाले टाइम में 19 अप्रैल को हमारे चैनल का 4 महीना पूरा हो जाएगा, 4 मंथ कंप्लीट होने के बाद इतना गिफ्ट तो बनता है दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को। एंड बस थोड़े दिन के लिए ऑरेंज आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, बहुत सारे काम पेंडिंग है दोस्तों, लेकिन वो मुझे करना है इसी वीकेंड में। ट्राई करूंगा कि वीकेंड में भी मैं जो लाइव मैंने करता हूँ वो मैं करूँ, लेकिन याद रखना अगर मैं कहीं ना कहीं जैसे सैटरडे संडे दोनों दिन करता हूँ, अगर कोई एक दिन नहीं करता तो उसका मतलब समझ जाना कि वेबसाइट पर बहुत सारा काम होगा जो मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। तो सपोर्ट बना के रखिएगा दोस्तों। एंड गाइज, अब मैं ले लेता हूँ आप लोगों की क्वेरीज जो आप लोगों ने कल के वीडियो में पूछा है मुझसे। अगर मैं लोड करूँ तो टोटल जो यूनिक कमेंट आया हूँ 34 यूनिक कमेंट आया है। मिस्टर कौस्तुभ जी लिखते हैं, सर ये चार्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे, प्लीज रिप्लाई। मिस्टर कौस्तुभ जी, सबसे पहले जो चार्ट है जो भी मैं बताता हूँ वो आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाना है, एंड वहाँ पे रिकमेंडेड साइट एंड टूल में यहाँ पे बेस्ट टीए चार्ट एनालिसिस का लिंक बना हुआ है, जाके अकाउंट बना लो, फ्री का अकाउंट बनाना, रजिस्ट्रेशन कर लेना फ्री का अकाउंट, और अगर कभी फ्यूचर में परचेज करोगे तो फ्री में $30 मिलेंगे आपको, लेकिन अभी के लिए क्या करना, फ्री अकाउंट बनाना, वहीं पे ये सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे दोस्त मेरे। कौस्तुभ जी, आपको अगर इंटरेस्टेड हो चार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है, टीए कैसे करना है, तो इन सब चीजों को आप वहां पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। एक मैं और कमेंट ले लेता हूँ, बिकॉज ये इट्स अ नॉर्मल जेनरिक कमेंट, जेनरिक क्वेश्चन था, तो एक और मैं पिक कर लेता हूँ क्वेश्चन। WRX नेक्स्ट BNB, योगेश जी लिखते हैं, जी हाँ कल मैंने आप लोगों को बोला था कि BNB भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। BNB अभी एक्सचेंजेस पे ज्यादा लिस्टेड नहीं है, लेकिन कंसीडर इसलिए कर सकते हो क्योंकि वो काफी नीचे बना हुआ अभी भी, एंड वो पोटेंशियल रखता है आराम से, यहाँ से भी आपको 10x 20x आराम से दे सकता है, मिनिमम बोल रहा हूँ, लेकिन वो जब ऊपर जाएगा अगर किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे वो बैक टू बैक लिस्ट होता है दोस्तों, तो आने वाले टाइम में BNB भी इस गोल्डन के एंड होते होते बहुत अच्छा रिटर्न देगा, जैसे WRX जो है वो ऑलरेडी दे रखा है। तो गाइस, होपफुली आपको आंसर मिल गया, एंड आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में करूँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। जी हाँ, मैं बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेता हूँ, पिक करता हूँ, रीजन है कि वीडियो छोटा हो क्योंकि आप लोगों का ही रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो छोटा बना करो, आने वाले टाइम में मैं इसका सॉल्यूशन लाने वाला हूँ, तब तक के लिए तो यही तरीका है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके क्वेश्चन पूछो एंड मैं आंसर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वैल्यू एड किया हो आपके लाइफ में, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, अपने तक ही मत रखना बाकी तक भी पहुंचाओ। एंड दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको लगता है कि ये जो वीडियो था इंटरेस्टिंग था, आपके आपको वैल्यू एडिशन कर रहा था कहीं ना कहीं, तो मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।